अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में जिस शख्सियत की मालूमात आपको दी जा रही है वो है शाहिद हुसैन बुखारी। शाहिद हुसैन बुखारी 17 जनवरी 1952 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए। वो मतवाजी और तकसीम शुदा कम्प्यूटिंग के शोबे में एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी मुहक्किक हैं। बुखारी के ACM फेलो का हवाला बताता है कि उन्हें ये अवार्ड उनके खुदकार बोझ के तवाजन और तकसीम शुदा अमल की तकसीम में तहकीक की शराकत के लिए मिला, जबकि उनका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फेलो अवार्ड उनके मतवाजी और तकसीम शुदा कम्प्यूटिंग में नक्शा साजी के मसले में शराकत को तस्लीम कहता है। 2005 में अपनी रिटायरमेंट के वक़्त बुखारी वाहद ACM फेलो थे और पाकिस्तान में रहने वाले वाहद पाकिस्तानी ISI आला दर्जे के मुहक्किक थे। शाहिद हुसैन बुखारी के इस्तीफा के नतीजे में उनके कई साबिक तुलबा ने खत लिखने की मुहिम शुरू कर दी, जो सरकारी ज़ेरे इंतजाम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में बद इंतजामी का दावा करने पर मायूस थे। शाहिद बुखारी ने 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1976 और 1978 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में MS और PhD की डिग्री हासिल की। वो 1980 से 2005 तक शोभा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर पाकिस्तान के साथ रहे, जहां वो प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम्स लेबोरेटरी, कम्युनिकेशंस लेबोरेटरी और शोभा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज के डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मुबैना तौर पर शोभा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इस्तीफा दे दिया। इंतजामिया के साथ तनाजा, खास तौर पर वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल M. अकरम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन और मुल्क के हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसियों से अदम इत्मीनान की वजह से। बुखारी का कहना है कि उन्होंने महकमा का चेयरमैन मुकर्रर न किए जाने पर एहतजाज के तहत इस्तीफा नहीं दिया। बुखारी इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ हिम्पटन वर्जीनिया में नासा लेंगली रिसर्च सेंटर से वाबस्ता रहे हैं, जहां उन्होंने 1978 से 1998 के अरसे में तकरीबन 7 साल बतौर मेहमान साइंसदान या मशीर गुजारे। वो दीगर अदारे जिनसे वो बतौर महकीक वाबस्ता रहे उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो USA, स्टटगार्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना और जापान के सोकोबा में इलेक्ट्रोटेक्निकल लेबोरेटरी शामिल है। बुखारी की तहकीकी दिलचस्पियों में मतवाजी और तकसीम शुदा कंप्यूटिंग शामिल है, जिसका अतलाक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर होता है। वो खास तौर पर DNA सीड और असम्बली के मतवाजी एल्गोरिथम में दिलचस्पी रखते हैं। बुखारी की सबसे ज्यादा हवाला शुदा तहकीकी अशात में से एक मैपिंग प्रॉब्लम्स पर प्रोसेसर्स को तकसीम शुदा कंप्यूटेशन के लिए ज़ेली कामों की तफवीज से मुतल्लिक है। इस तरह के ज़ेली काम जो एक दूसरे के साथ बातचीत कहते हैं, मुमकिन हद तक तफवीज किए गए हैं। प्रोसेसर जो मुवासलाती नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से मुल्हिक है, उसका मकाला इस मसले को मजीद तजरीदी ग्राफ नजरियाती मसाइल से जोड़ता है। शाहिद हुसैन बुखारी के कई दिगर इंतहाई हवाला शुदा मकाले तकसीम शुदा कंप्यूटिंग में तकसीम और बोझ के तवाजन के मसाइल से मुतल्लिक हैं, जिसका जिक्र उनके ACM फेलो अवार्ड के हवाला में किया गया है। जैसा कि नक्शा साजी का मसला है, ये प्रोसेसर्स को कामों की तफवीज से मुतल्लिक है, लेकिन ज्यादा आम तरतीब में, जिसमें एक प्रोसेसर मुतअद्दद कामों को संभाल सकता है। मसला यह है कि इस असाइनमेंट को इस तरह अंजाम दिया जाए कि एक ही प्रोसेसर को काम की बारी बर कम जोड़ी तफवीज की जाए, जबकि प्रोसेसर्स को तफवीज करदा काम की मकदार को निस्बतन बराबर रखा जाए। बुखारी का एक और मकाला बुखारी 1988, जो इसका तीसरा सबसे ज्यादा हवाला दिया गया है, एक एल्गोरिथम फ्राहम करता है।
जो तकसीम शुदा एल्गोरिथम के कई वसी तबकों के लिए तकसीम के मसले को बेहतरीन तरीके से हल करता है। तो नाज़रीन, ये थी शाहिद हुसैन बुखारी की मुकम्मल स्वानह हयात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दिगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए मालूमाती रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।